13 को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फ्लैक्स बॉक्स भी कंप्लीट कर लिया, अब चैप्टर 14 पे हम आ रहे हैं। अच्छा, आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो दो तीन चैप्टर हैं हमारे पास 18 तक, हम ये पूरा निपटा लें, कोशिश हमारी ये होगी। अच्छा, लिस्ट टेबल एंड फॉर्म्स, इन पे जो लगने वाली CSS है वो यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस हो रही है। क्या नहीं है ये वाला? यार मैंने इनको बोला तो था, खैर अभी बस। अच्छा नहीं, लाइटें तो अभी भी ठीक हैं। अच्छा, लिस्ट पे जो लगने वाली स्टाइलिंग है वो तकरीबन हम जो इसमें डिस्कस हो रही है वो लगा के देख चुके हैं, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप, कि भाई कौन सा लिस्ट स्टाइल होना चाहिए, ये हम लगा कर देख चुके हैं, ठीक है। नन करते हैं तो वो बिल्कुल गायब हो जाता है नेविगेशन बार के लिए। डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है, ठीक है। उसके अलावा ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर डेसिमल कर सकता हूँ मैं, लोअर अल्फा कर सकता हूँ, ये तमाम तरह के लिस्ट स्टाइल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इमेज भी हो सकती है आपके जो लिस्ट में, जो बुलेट है उसमें इमेज भी हो सकती है। इमेज के लिए आप करेंगे लिस्ट स्टाइल इमेज करेंगे आप, और सामने URL दे देंगे तो जो भी स्टार करके इन्होंने लगाया हुआ तो देखो स्टार बन के यहाँ पर आ गया, ठीक है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है ये, आप बहुत ईजिली इसको करेंगे, ये इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। अच्छा, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, कि पोजीशन क्या हो उसकी, इनसाइड हो आउटसाइड हो, दोनों का रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये है आउटसाइड, कि एक्चुअल लिस्ट से बाहर है ये, और इस साइड पे इनसाइड है, ठीक है, एक्चुअल लिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो ये भी जस्ट लगा के आपने देखना है तो ये खुद ही आपको इसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लिस्ट का एक शॉर्ट हैंड भी है कि लिस्ट स्टाइल में आप इनसाइड और सर्कल ये दो बात एक साथ बोल दें, अलग अलग भी कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड भी मौजूद है। टेबल के अंदर लगने वाली प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। विड्थ है जो कि सेट करता है विड्थ ऑफ द होल टेबल, जो पूरी की पूरी टेबल है उसका विड्थ, ठीक है। पैडिंग, स्पेस बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ ईच टेबल सेल, कि जो एक एक सेल है अगर उस पर बॉर्डर डिस्प्ले है तो वो बॉर्डर आपस में दूर हो जाएगा, उसके दरमियान में वो फासला आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या है, हेडर को अपर केस या लोअर केस करने के लिए आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पैराग्राफ पे भी लगता है जिसमें टेक्स्ट अपर केस या लोअर केस हो जाता है। लेटर स्पेसिंग जानते हैं हम, फॉन्ट साइज जानते हैं, ठीक है। बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम ये भी जानते हैं हम। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन जो है वो टेबल के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि टेबल में हम जो अमाउंट होता है उसको समटाइम राइट अलाइन करते हैं, सही है, और जो टेक्स्ट होता है नॉर्मल उसको हम लेफ्ट अलाइन कर रहे होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि उसमें क्या डेटा है, टेक्स्ट अलाइन सेल में लेफ्ट पे या राइट पे कर देता है टेक्स्ट को, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी हम जानते हैं, होवर भी हम जानते हैं, ठीक है। तो किसी भी टेबल की रो के ऊपर हम होवर लगा सकते हैं, टेबल के सेल के ऊपर होवर लगा सकते हैं, तो जब मैं उस पर हाथ रखूँगा तो एक डिफरेंट स्टाइलिंग उस पर। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि टेबल की जो रो है पूरी, जब मैं उस रो पर हाथ रखूँ तो पूरे रो का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। ये काम किया जाता है रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो कुछ जगहों पे इसके लिए अल्टरनेट कलर का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जगहों पे वो होवर पे पूरे का कलर चेंज हो जाता है, ताकि जब मैं हाथ रखूँ उसको मैं ईजिली पढ़ सकूँ इस कोने से दूसरे कोने तक, ठीक है। अल्टरनेट कलर्स आपने देखे होंगे वैसे, लेकिन दिखा देता हूँ मैं। अरे भाई, ठीक है, इस तरह की चीज़ को ना अल्टरनेट कलर कहते हैं। ये जीमेल वगैरह में भी शायद देखने को मिलता है इस तरह का। तो इससे भी क्या होता है कि हमारे पास रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है टेबल की। अच्छा, ये अल्टरनेट कलर कैसे होता है ये भी इन्होंने आगे बताया हुआ है। ये एक क्लास इन्होंने बताई हुई है, टेबल रो डॉट इवन और टेबल रो डॉट ऑड। अच्छा, ऑड नहीं बताया, सिर्फ इवन बताया। तो इवन पे इसने बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है, तो बकाया जो बचे हुए थे वो ऑटोमेटिकली सेट हो गए। अच्छा, यहाँ पे जब HTML की अगर हम बात करें तो HTML में फिर हमें ना ये tr.even ये तमाम रो पे मुझे जाके लगाना होगा अलग अलग, जब ये बनेगा। हाँ, ये क्लास जो है ना, ये टेबल रो के अंदर जो इवन की जो क्लास है वो मुझे इसमें जाके लगानी पड़ेगी जब ये बनेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है कि यार उस पर लगाना पड़ेगा मुझे वो, लेकिन हम बहुत जल्दी जब हम रिएक्ट पे मूव करेंगे ना तो उसमें क्योंकि टेबल प्रोग्रामेटिकली रेंडर होती है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, मैं जस्ट ये चेक करूँगा कि अगर ये इवन वाली रो है तो उस पर ये लगा दो, तो मुझे पूरा का पूरा ऐसे अलग अलग लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टेबल का डेटा असल में डेटाबेस से आ रहा होता है, और डेटाबेस से जो डेटा आता है उसके बिहाफ पे मैं टेबल डिस्प्ले करता हूँ, टेबल रेंडर करवाता हूँ, ठीक है, लूप चला के। अभी लूप क्या होता है वो भी आपको नहीं पता, वेल तो उसमें हमें पता चल रहा होता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डेटा का सीरियल नंबर जो होता है, तो मैं कहूँगा कि सीरियल नंबर अगर इवन है तो उस पर ये लगा दो, अदरवाइज ना लगाओ।
अच्छा भाई, बॉर्डर ऑन एम्प्टी सेल। अब एम्प्टी सेल पे बॉर्डर शो किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है, उसके लिए ये प्रॉपर्टी है शो हाइड और इनहेरिट, ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। गैप बिटवीन सेल्स, तो इसको बॉर्डर स्पेसिंग और बॉर्डर कोलैप्स करके हम ये चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। दोनों का जो ये आपका सेल स्पेसिंग जो है, बॉर्डर स्पेसिंग, वो यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है। उसके अलावा इन्होंने वो भी लगाया हुआ क्या, बॉर्डर कोलैप्स। टेबल टू पे इसने बॉर्डर कोलैप्स लगाया हुआ है और टेबल वन पे इसने स्पेसिंग लगाई हुई है, ठीक है। कोलैप्स करने से ये स्पेसिंग को बिल्कुल शायद जीरो कर देगा, इस तरह का कुछ होने जा रहा है। गॉट इट, बिल्कुल सही कहा तुमने। बाय डिफॉल्ट जो है हर सेल का बॉर्डर अलग होता है, जैसा कि ऊपर इसने जो टेबल बनाई हुई है उसमें देख सकते हैं कि हर सेल का बॉर्डर अलग होता है, लेकिन अगर हम कोलैप्स करेंगे तो वो बॉर्डर सेम हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है एक दूसरे के अंदर वो, ठीक है। स्पेसिंग से हम दूर कर सकते हैं, सही कहा बिल्कुल तुमने। अच्छा जी, स्टाइलिंग फॉर्म्स, फॉर्म पे कौन कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई होती है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इसने इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि जो सफारी पे, फायरफॉक्स पे और गूगल क्रोम पे जो आपको डिफरेंट फॉर्म के इनपुट्स दिखेंगे ना, वो डिफरेंट तरह के होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ड्रॉप डाउन जो है वो देखें, इस पर थोड़ा गोल मटोल सा है, और गूगल क्रोम के ऊपर ये थोड़ा स्क्वायर जैसा है, ठीक है, इस पर ये स्क्वायर जैसा है थोड़ा। अच्छा, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आपको ये इनपुट्स थोड़े डिफरेंट दिख सकते हैं। जैसा कि जो डिफ़ॉल्ट बटन होता है, जो वो गोल मटोल सा होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिफ़ॉल्ट बटन है, लेकिन दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में या दूसरे गूगल उसमें वो डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। अगर हम इन चारों इमेजेस को देखें तो इसमें इसने बताया मैक पे सफारी और मैक पे फायरफॉक्स, और इसने बोला है पीसी पे क्रोम और पीसी पे इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसको यहाँ पे फायरफॉक्स भी दोनों दिखाना चाहिए था गालबन, लेकिन पता नहीं इसने पीसी पे एंटायरली दो डिफरेंट ब्राउज़र क्यों चूज़ किए। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अंदर ना, उस प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, आमतौर पर उसके इनपुट बॉक्सेस को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर जो ड्रॉप डाउन है वो अगर विंडोज़ के ब्राउज़र में होता है तो वो थोड़ा कॉर्नर उसके शार्प होते हैं, स्क्वायर होता है बिल्कुल। मैक पे जब होता है तो थोड़ा साइडों से गोल मटोल होता है। अच्छा, फिर यही चीज़ अगर आईफोन पे होती है, जो इनका फ़ोन है, जो उस पर कैसा होता है ड्रॉप डाउन, हैव एनी आइडिया? मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ड्रॉप डाउन ट्राई इट योर सेल्फ, खोलूंगा, नॉट दिस ड्रॉप डाउन यार, ये तो ड्रॉप डाउन कुछ और ही है। सही है। अच्छा, नोट करो, ये ड्रॉप डाउन थोड़ा सा डिफरेंट है विंडोज़ वाले से, है ना। अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सिस्टम का कलर, क्योंकि डार्क पे सेट है तो ये डार्क आ रहा है, और थोड़ा सा गोल मटोल है साइड से, इतना शार्प नहीं है। अच्छा, इसी लिंक को अगर मैं क्या करूँगा, फ़ोन में ओपन करूँगा, कैसे शेयर होगी? हाँ, ये ना स्क्रीन ऐसे शेयर होती है। अच्छा, इसमें ना बिल्कुल ही गोल मटोल आ रहा है, सेम लिंक है ये। अच्छा, और मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एनिमेट होके ना, थोड़ा एनिमेट होके खुल रहा है, और ये जो मैक पे खुल रहा है उससे डिफरेंट है ये। अच्छा, इसी तरीके से जो डेट और टाइम इनपुट होता है, अब ये मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको दिखा रहा हूँ, फिर ये मैं बताऊँगा कि इसका रीज़न क्या है और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। डेट इनपुट HTML, सही है, ट्राई इट योरसेल्फ,
सही है, डेट इनपुट जो है वो गूगल क्रोम ब्राउज़र पे और मैक पे वो इस तरह का खुल रहा है, विंडोज़ पे भी कुछ काइंड ऑफ इस तरह का खुलता है, लेकिन फ़ोन पे ये डिफरेंट होता है। एंड्रॉयड फ़ोन आप सब लोग यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट, जो ज़्यादातर यूज़र हैं वो एंड्रॉयड के इस क्लास में गालबन है, तो उसमें यह डेट इनपुट कैसा खुलता है कोई बता सकता है? एक गोल सी घड़ी बन के आ जाती है, मेरे पास अभी एंड्रॉयड फ़ोन है नहीं तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, डेट इनपुट एंड्रॉयड, वो गोल सी घड़ी बनी हुई आ जाती है। अच्छा सिर्फ डेट के लिए तो मेरे पास ये खुलता है, अच्छा एंड्रॉयड में असल में सही है, सिर्फ डेट में ये खुलता है, अगर डेट और टाइम दोनों हो तो यहाँ पे गोल सा एक क्लॉक बनी हुई भी आती है ना। अच्छा मैक में जो है वो डेट इनपुट इस तरह से खुलता है, सही है, यहाँ पे दोनों की फ़ोटो दिख गई तो दोनों दिखा देते हैं, तो कुछ इस तरह का दिख रहा होता है, ठीक है। अच्छा डेट एंड टाइम इनपुट अगर मैं साथ लिखूं तो कुछ इस तरह का खुल रहा होता है, राइट, ऐसा ही है ना। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपोनेंट कोई अलग है, वो कंपोनेंट डेट इनपुट का ही है जो नॉर्मल डेट इनपुट होता है। अच्छा मिसाल के तौर पर ये जो डेट इनपुट यहाँ पर है, इस डेट इनपुट को मैं खोलने की कोशिश करता हूँ अपने फ़ोन पे, तो ये कैसा खुलता है ज़रा देखते हैं फिर। कॉपी नहीं हुआ क्या? अच्छा जी अच्छा, जो सिर्फ डेट इनपुट है ना वो कुछ इस तरह से खुल रहा है, एनिमेट हो गई खुल रहा है, वो ऐसे खुल रहा है, ये सही है, सिर्फ डेट इनपुट जो है। और इसमें अगर मुझे मंथ वन सेलेक्ट करना है तो वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये टॉप पे मैं जब क्लिक करता हूँ ना जिसमें मार्च 2023 लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से मेरे पास एयर सेलेक्शन आ जाती है, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे करके एयर सिलेक्शन हो रही होती है। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मार्कअप कोई डिफरेंट है, मार्कअप एक ही है, मगर वो जब कंप्यूटर पे खुलता है तो अलग खुलता है, और मोबाइल के जो दो तीन चार अलग अलग प्लेटफॉर्म है उन सब पे वो अलग अलग खुलता है। अच्छा अगर डेट और टाइम इनपुट दोनों है अगर, तो वो ऐसे खुल रहा होता है, और इसमें भी अगर मैं एयर पे करता हूँ तो इस तरह एयर आता है, नीचे छोटा सा टाइम लिखा हुआ है, जब मैं टाइम ओपन करता हूँ तो देखो टाइम इनपुट इस तरह से आ रहा है मेरे पास, ठीक है, एएम और पीएम, और ऐसे करके मैं जो भी टाइम यहाँ पे डन करता हूँ वो सेलेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो डिफरेंट फॉर्म इनपुट्स को या डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल को डिफरेंट तरह से रेंडर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो जब सिलेक्शन होगी जो भी टाइम और डेट सेलेक्ट करेगा बंदा उसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको, तो आपको वैल्यू सेम मिलेगी तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर। नहीं अच्छा ऐसा क्यों होता है? उस प्लेटफॉर्म के यूज़र एक्सपीरियंस को मेंटेन करने के लिए। अच्छा आईफोन वालों ने जो डेट की जो सिलेक्शन है या जो सिलेक्शन बॉक्स है वो ऐसे रोटेट डायल रोटेशन वाला सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, आईफोन के यूज़र को इसकी आदत है तो इसलिए ऐसा डेट इनपुट खुलता है। इसके अपनी ऐप्स वगैरह में भी कहीं पर डेट इनपुट ऐसा खुलता है। ऑन अदर हैंड एंड्रॉयड के अंदर जो पूरा इकोसिस्टम है उनका, उसमें कहीं पे भी डेट इनपुट खुलता है टाइम इनपुट खुलता है तो वो गोल घड़ी वाला वैसा खुलता है, ठीक है, तो एंड्रॉयड के यूज़र को उसकी आदत है। अच्छा शुरू में थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था, ये इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया वो गोल घड़ी वाला, इससे पहले कुछ और होता था, तो जब ये गोल घड़ी वाला नया नया आया तो मैंने बोला यार ये क्या दे दिया इन्होंने, तो वो समझ में नहीं आता था कि यार ये क्या दिया इन्होंने, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत हो गई तो अब वो समझ आने लग गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हुए आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ता है, तो दोनों फ़ोन टेस्टिंग के लिए आपको एक अलग रखे हुए होते हैं,
तो कोई भी ऐप अगर फिजिकल डिवाइस पे जब तक टेस्ट ना करो तो आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि हाँ यार ये सब कुछ ओके है, क्योंकि कुछ चीज़ें इमुलेटर पर डिफरेंट होती हैं, ठीक है, फिजिकल डिवाइस में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो जब उन्होंने वो गोल वाला किया, मैंने कहा यार ये क्या बना दिया उन्होंने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत हो गई। तो अब एंड्रॉयड के यूज़र को जब भी डेट इनपुट करना होगा तो वो वैसा वाला खुले तो उसको सही रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। तो ये तो सिर्फ एक डेट इनपुट की बात हो गई, लेकिन किसी भी तरह का जो फॉर्म इनपुट है वो अलग अलग हो सकता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, और इसका मेन रीज़न है उस प्लेटफॉर्म के यूज़र एक्सपीरियंस को मेंटेन रखना। आगे आ जाते हैं हम। अच्छा, टेक्स्ट स्टाइलिंग, टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट में क्या क्या स्टाइलिंग हो सकती है वो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। ये फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस एक्स वाई जेड, बैकग्राउंड इमेज, आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। इस तरह का आपने फॉर्म अक्सर देखा होगा बना हुआ, ठीक है, कि भाई फॉर्म है उसके शुरू में ऐसे बना हुआ आ रहा है, एक इमेज छोटी सी बनी हुई आ रही है। ये काफ़ी ओल्ड फैशन डिज़ाइन हो गया, इस तरह की चीज़ें अब नहीं की जाती हैं। अब क्या होता है, या तो लेबल होता है या तो प्लेस होल्डर होता है, ठीक है, या आइकन अगर होता भी है तो वो टेक्स्ट बॉक्स से बाहर होता है, ठीक है। स्टाइलिंग, सबमिट बटन, सबमिट बटन पे आप क्या क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं भाई, बैकग्राउंड कलर, ड्रॉप शेडो कलर, बॉर्डर वगैरह एक्स वाई जेड, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अच्छा भाई, उसके अलावा आप फील्ड सेट पे क्या क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये फील्ड सेट इसने शुरू में बताया था कि भाई अगर फॉर्म आपका लंबा है तो आप डिफरेंट सेक्शन में डिज़ाइन कर लो उसको, तो फील्ड सेट के ऊपर इसने बॉर्डर रेडियस वेडियस लगा के थोड़ा इसको गोल मटोल किया हुआ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि इसने ये कैसे किया। अच्छा, फील्ड सेट भी काइंड ऑफ बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इसकी, बहुत कम ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो जदीद डिज़ाइन है वो ये कहता है कि फॉर्म ज़्यादा लंबा होना ही नहीं चाहिए आपका। पहले तो ये कहते थे फॉर्म लंबा तो डिवाइड कर लो, तो क्योंकि फॉर्म अब हम लंबा बनाते ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, तो फील्ड सेट की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। फील्ड सेट की जगह अब जो नया नई अप्रोच है वो क्या है कि एक फॉर्म खुलता है, तीन या चार उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, उसको फिल करके मैं नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ तो अगले, उसको कहते हैं स्टेपर, ठीक है, जब हम अभी मटेरियल यूआई वगैरह पढ़ेंगे रिएक्ट के बाद तो उसमें स्टेपर करके एक कंपोनेंट होता है, वो एचटीएमएल में अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है बिल्टन, वो लाइब्रेरी के थ्रू हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भाई, अच्छा अलाइनिंग फॉर्म कंट्रोल, अच्छा ये अलाइनमेंट इसने की है, नोट करें आप, ये जो टेक्स्ट है इसको राइट अलाइन किया और फॉर्म के कंट्रोल्स को इसने लेफ्ट अलाइन किया, ठीक है। अब ये काम हम फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए करते हैं तो हमें इसको देखने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अलाइन जो इसने करना बताया ये ऑटो और फ्लोट लेफ्ट, ये फ्लोट का इस्तेमाल अब हम नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं हमें ना करना पड़े। स्टिल कुछ एक दो जगह ऐसी जहाँ पे हमें करना पड़ता है, जैसे पैराग्राफ के अंदर अगर इमेज है मैं उसको चाहता हूँ एक कोने पे चला जाए तो वहाँ पे ज़रूरी होता है फ्लोट, उसके बगैर ऑप्शन नहीं है कोई, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम इसको इस्तेमाल ना करें। असाइड, असाइड कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी है? नहीं, वो तो एडिव की तरह दिखा देता है ना, स्टाइलिंग कैसे करोगे उसकी, स्टाइलिंग तो फिर कुछ ना कुछ करना है ना उसमें। अच्छा, कर्सर का स्टाइल भी हम देख चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का नाम लिख के ना मैं बोलूँगा कर्सर और आगे कर्सर का नाम लिख दूंगा, तो उस पर जब जाएगा कोई भी मेरा कर्सर लेकर जाएगा उस पर बंदा तो उस पर वही वाला दिखेगा। ये तमाम कर्सर के स्टाइल हैं, जो एक आर्टिकल मैंने आपसे शेयर किया था उसमें वो तमाम को बना के भी दिखाया हुआ था, ठीक है। अच्छा, वेब डेवलपर टूल बार, ये वो वाला है कि राइट क्लिक करके जो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करते हैं ये वो है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, आउटलाइंस, स्ट्रक्चर और सीएसएस। ये क्या बताया इसने भाई दादा, वेल तो डेवलपर टूल हमने गूगल क्रोम के यूज़ करना है, इसने कोई पता नहीं दूसरा डेवलपर टूल बताया है। अच्छा, ये इसने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है जिसमें वो तमाम स्टाइलिंग जो इस चैप्टर में बता रहा है अप्लाई की है, जैसा कि बुलेट अपने मर्जी का लगाया है इसने, टेबल में कुछ बैकग्राउंड कलर वाला लगाया है, ठीक है, और ये अच्छे से अलाइन करके एक फॉर्म भी तैयार किया है इसमें। अच्छा, चैप्टर नंबर 15 लेआउट। अच्छा, लेआउट जो है हम फ्लैक्स बॉक्स पढ़ते हुए तकरीबन हम कवर कर चुके थे, लेकिन लेआउट की कुछ एक दो चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे थ्योरी वाली चीज़ें हैं वो डिस्कस हो जाएंगी यहाँ पे, कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ टू कंट्रोल वेयर ईच एलिमेंट सिट ऑन अ पेज एंड हाउ टू क्रिएट अट्रैक्टिव पेज लेआउट,
ठीक है, लेआउट हमें पता है कि कोई चीज़ किस तरह से बिछी हुई होती है या किस तरह से प्लान्ड होती है, उसको हम लेआउट कहते हैं। अच्छा, ये इसने एक वेबसाइट बनाई है उसी लेआउट को इस्तेमाल करते हुए, अच्छी सी वेबसाइट है ये, राइट, साइकिल से रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स हैं इसमें। अच्छा, हमने जो लास्ट फ्लैक्स बॉक्स का लेआउट बनाया था वो काइंड ऑफ इसी तरह का ही था कि एक बीच में बड़ी फ़ोटो थी, नीचे तीन छोटी छोटी फ़ोटोज़ थी और ऊपर टॉप पे एक तरफ नेविगेशन था, एक तरफ लोगो था, यही था बिल्कुल। तो ये तो बनाना आपके लिए बहुत ईजी है, उसी लेआउट को आपने क्या करना है, जस्ट फोटो चेंज करनी है, बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वो सेट है ना। अच्छा, की कॉन्सेप्ट क्या किया है इन पोजिशनिंग एलिमेंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स उसके क्या हैं, CSS treat each HTML element as if it is in own box. हमेशा CSS ऐसे treat करता है कि हर HTML एक box है। This box will either a block level box or inline level box. ये जितने भी boxes हैं या तो ये block level होंगे या तो inline। जैसे H1 paragraph ये block है, पूरी line capture करते हैं। अभी flex box कोई का जिक्र ही नहीं है इस book में, ये flex box के बगैर बात हो रही है। कुछ एलिमेंट्स जैसे कि इमेज या स्पैन वो इनलाइन होते हैं बिल्कुल। अच्छा, ब्लॉक लेवल बॉक्स स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, अभी इसने एक ड्रॉ करके दिखाया है कि भाई इस तरह से ये दिख रहे होते हैं ब्लॉक लेवल, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये इसने तीन आइटम बनाया, तीनों देखो अपनी जगह पे किसी और को नहीं आने दे रहे और नई लाइन से स्टार्ट हो। अच्छा, इसी तरह कुछ इमेज बोल्ड और इटैलिक, ये क्या है, बोल्ड हुआ बीच में ही हो गया, इटैलिक हुआ बीच में ही हो गया, इमेज लगाया वहीं से टेक्स्ट स्टार्ट हो गया आगे से, ठीक है, तो ये इनलाइन हो गया। अब ये तो दो चीज़ें बता दी इसने। कंटेनिंग एलिमेंट्स, इफ वन ब्लॉक लेवल एलिमेंट सिट इनसाइड अनदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट देन द आउटर बॉक्स इज नोन एज कंटेनिंग और पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, कह रहे हैं कि भाई एक ब्लॉक लेवल अगर दूसरे ब्लॉक लेवल में जाता है तो हम बाहर वाला जो है उसको हम पेरेंट कहते हैं। अच्छा, पेरेंट तो वैसे हर केस में उसको कहेंगे, लेकिन इसके बारे में ये बताना क्या चाह रहा है, कह रहा है इट इज़ कॉमन टू ग्रुप अ नंबर ऑफ एलिमेंट टुगेदर इनसाइड अ डिव, कह रहा है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम एक डिव, जैसे हमने भी यही किया था कि टॉप पे एक डिव बनाई थी, उसमें एक तरफ लोगो एक तरफ नेविगेशन बार किया था, इन्होंने भी वैसे ही किया हुआ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यू माइट ग्रुप टुगेदर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द हेडर और उसमें एक तरफ लोगो रख दें एक तरफ नेविगेशन बार लग दें, कह रहा है कि आप ये कर सकते हैं एक डिव बना लें पूरा हेडर उसको आप नाम दे दें। द डिव एलिमेंट दैट कंटेन दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज देन रेफर्ड टू एज अ कंटेनिंग एलिमेंट, तो ये इसने टर्मिनोलॉजी सेट की कि कंटेनिंग एलिमेंट जब भी अभी आगे बात करेगा तो उसका क्या मतलब है। अच्छा, यहां पे इसने साइड नोट पे लिखा है अब बॉक्स मे बी नेस्टेड इनसाइड सेवरल अदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स द कंटेनिंग एलिमेंट इज ऑलवेज द डायरेक्ट पेरेंट ऑफ द एलिमेंट, सही है, ये समझ पा रहे हो कि नेवी फ्लैक्स बॉक्स में डायरेक्ट चाइल्ड का क्या चक्कर था, वो यहीं से पीछे से कहानी चली भी आ रही है कि ये कह रहा है कंटेनिंग एलिमेंट ना हमेशा हम किसको बोलेंगे जो डायरेक्ट पेरेंट है ना उसकी बात हो रही है, या मिसाल के तौर पर एक डिव है उसके डायरेक्ट चाइल्ड जितने भी हैं डायरेक्ट चाइल्ड का जो पेरेंट है वो कंटेनिंग एलिमेंट है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर एक बॉक्स था मेरे पास, उसमें चार हेडिंग थी और चार हेडिंग के बाद एक डिव है, तो ये चार हेडिंग और डिव ये इसके डायरेक्ट चाइल्ड है, लेकिन डिव के अंदर कुछ चीज़ें अगर हैं तो वो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, और उन एलिमेंट्स का जो कंटेनिंग एलिमेंट है वो कौन है, वो छोटा डिव है जो अंदर वाला है, वो मेन डिव उसका कंटेनिंग एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हम फ्लैक्स बॉक्स में देख चुके थे, हमने ये दोबारा जिक्र कर लिया इसका। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि ऑरेंज लाइन जो है ना वो बता रही है कि भाई कौन सा वाला जो एलिमेंट है वो कंटेनिंग एलिमेंट है। अच्छा, कंट्रोलिंग द पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, सी एस एस हैज फॉलोइंग पोजिशनिंग स्कीम दैट अलाउ यू टू कंट्रोल द ले आउट ऑफ अ पेज। अब ये पोजिशनिंग स्कीम है कुछ जिसके जरिए हम अपने लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मल फ्लो एक रिलेटिव पोजिशनिंग है, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग है, ये तीन बेसिक पोजिशनिंग यहाँ पे आ गई। यू स्पेसिफाई द पोजिशनिंग स्कीम यूजिंग द पोजिशन प्रॉपर्टी इन सी एस एस, हम क्या बोलते हैं कि भाई इस डिव की या इस पैराग्राफ की पोजीशन इक्वल्स टू क्या कर दो, फिक्स कर दो या रिलेटिव कर दो या एब्सोल्यूट कर दो, ठीक है, तीन चार जो पोजीशनिंग आइटम है। अच्छा, तो ये नॉर्मल फ्लो जो है ये क्या करेगा, कैसे बिहेव करेगा, नॉर्मल फ्लो
एवरी ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपेयर्स ऑन अ न्यू लाइन कॉजिंग ईच आइटम टू अपेयर लोअर डाउन द पेज देन द प्रीवियस वन. ये नॉर्मल फ्लो वो वाला है जो बाई डिफॉल्ट होता है HTML में. अच्छा, क्या इसमें डेफिनेशन दी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरी लाइन लेगा, अच्छा, और अपनी लाइन में किसी को आने नहीं देगा. जो भी हम मिसाल के तौर पे एक ब्लॉक लेवल लिखा वो टॉप पे आएगा, फिर उसके बाद जो लिखा वो उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, तो टॉप टू बॉटम एक फ्लो चलेगा. एक ये नॉर्मल फ्लो है. इवन इफ यू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द बॉक्सेस देयर इज अ स्पेस फॉर टू एलिमेंट्स सिट साइड बाय साइड इट विल नॉट अपियर नेक्स्ट टू ईच अदर. कह रहा है कि बावजूद इसके कि H1 अगर आपने चार H1 लगाए हुए हैं लाइन से, आपने उसकी विड्थ कम कर दी, आपने कहा 100 पिक्सल और आपकी स्क्रीन 1000 पिक्सल की है, जब भी वो एक दूसरे के बराबर में नहीं आएंगे. ठीक है, साइड में जगह छूटा रहेगा लेकिन वो साथ में नहीं आएंगे. अच्छा, दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर अनलेस यू टेल द ब्राउजर टू डू समथिंग एल्स. अच्छा, तो फिर ये नॉर्मल फ्लो लगा ही क्यों रहे हैं जब ये होता ही डिफॉल्ट है. ये इसलिए लगा रहे हैं कि अगर मैंने पोजीशन चेंज की और बाद में मैं उसको नॉर्मल करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं नॉर्मल फ्लो बोलूँगा उसको. ठीक है, वरना बाय डिफॉल्ट मुझे नॉर्मल बताने की जरूरत नहीं है. अब रिलेटिव पोजीशन क्या है? दिस मूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द पोजीशन इट वुड बी इन नॉर्मल फ्लो शिफ्टिंग इट टू द टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट ऑफ वेयर इट वुड हैव बीन प्लेस्ड. कह रहा है कि भाई ये रिलेटिव पोजीशन क्या करेगा, एलिमेंट को ना मूव कर देगा, जहां पे भी उसने होना था नॉर्मल फ्लो में उससे उसको या तो मैं थोड़ा नीचे ले जा सकता हूँ या तो मैं थोड़ा ऊपर ले जा सकता हूँ, राइट या लेफ्ट ले जा सकता हूँ. ठीक है, या टॉप पे ले जा सकता हूँ, जितना ऊपर ले जाना चाहूँ. तो यहाँ पे आप देखें, ये एलिमेंट जो था ना, सेम एलिमेंट इस जगह पर एक नॉर्मल फ्लो जैसा दिख रहा है, उसी को यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा राइट किया है और थोड़ा सा बॉटम की तरफ लेकर गए. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं कि सेकंड पैराग्राफ में ये काम हमने किया हुआ है. तो कभी भी अगर मुझे मिसाल के तौर पे एक पैराग्राफ है उसको मुझे थोड़ा सा राइट पे करके दिखाना है तो मैं ये काम कर सकता हूँ. अच्छा, अब एब्सोल्यूट पोजीशन. दिस पोजीशन इज द एलिमेंट इन रिलेशन टू इट्स कंटेनिंग एलिमेंट. इट इज टेकन आउट ऑफ द नॉर्मल फ्लो, मीनिंग दैट इट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशनिंग ऑफ एनी सराउंडिंग एलिमेंट्स. अगर किसी आइटम को आप कहते हैं ना एब्सोल्यूट पोजीशन, तो एब्सोल्यूट पोजीशन करने से जहाँ पे भी वो एलिमेंट था, मिसाल के तौर पे ये बीच वाला जो पैराग्राफ है, इस पर जो सेकंड वाले ये डब्बे में, बीच वाले डब्बे में ये जो बीच वाला पैराग्राफ है जिसको हल्का सा राइट और हल्का सा बॉटम किया हुआ है, इस पैराग्राफ की पोजीशन अगर मैं क्या करूँगा, एब्सोल्यूट करूँगा, तो ये पैराग्राफ यहाँ से गायब हो जाएगा और नीचे वाला पैराग्राफ पुड़क करके ऊपर आके इसकी जगह ले लेगा. ये उस जगह से गायब हो जाएगा. गायब होकर ये जाएगा ना, ये गायब होके जाएगा. इसका जो कंटेनिंग एलिमेंट होगा इस, यानी ठीक है ना, जिसके ऊपर मैंने एब्सोल्यूट लगाया, इसका जो कंटेनिंग एलिमेंट होगा, ठीक है, कंटेनिंग एलिमेंट क्या है, जो उसका फॉरेन जो पेरेंट है ना, उसका ब्लॉक लेवल जो फॉरेन पेरेंट है ब्लॉक लेवल, वो उसका कंटेनिंग एलिमेंट है, जो उसने पहले डिफाइन कर दिया है कि कंटेनिंग एलिमेंट किसको कहते हैं, जो डायरेक्ट पेरेंट होता है. ठीक है, डायरेक्ट पेरेंट और ब्लॉक लेवल भी होना चाहिए उसको, तो ये वहाँ पे चला जाता है. अच्छा, नोट करें कि सेकंड वाले पैराग्राफ में ना लॉरल इप्सम करके एक हेडिंग थी. अच्छा, थर्ड वाले में जब इसने क्या किया, उस लॉरल इप्सम के ऊपर ना पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया, तो वो लॉरल इप्सम उठ के कहाँ चला गया, जो कंटेनिंग एलिमेंट था. क्योंकि देखो, कंटेनिंग एलिमेंट यहाँ पे जो ये जो ऑरेंज कलर की जो लाइन दिखा रहे हैं ना, ये इट डज मीन कि ये कंटेनिंग एलिमेंट है. ये पीछे इसने ये बताया हुआ है यहाँ पे कि भाई ऑरेंज कलर की जो लाइन है ना, वो क्या है, वो रिप्रेजेंट द एलिमेंट, डिव एलिमेंट. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है ना, बस ये कलर कोड से इसने बताने की कोशिश की है. तो ये अपने ना क्या बता रहा है कि मीनिंग दैट इट डज नॉट अफेक्ट द पोजिशनिंग ऑफ एनी सराउंडिंग एलिमेंट. अच्छा, सराउंडिंग एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो बड़ा हो छोटा हो, ये नॉर्मल फ्लो से बाहर आ गया. ठीक है, नॉर्मल फ्लो से ये ऊपर आ गया. अच्छा, एब्सोल्यूटली पोजिशन एलिमेंट मूव एज यूजर स्क्रॉल अप एंड डाउन द पेज. अच्छा, जाहिर है वो कंटेनिंग एलिमेंट जो है उसका, वो इटसेल्फ तो एक नॉर्मल फ्लो में है वो, तो इसका मतलब है कि जब मैं पेज को स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करूँगा तो वो जो आइटम नॉर्मल फ्लो से निकल गया था वो अपने पेरेंट के अंदर ही रहेगा, वो उससे बाहर नहीं जाएगा. और अपने पेरेंट के अंदर रहते रहते
जब उसका पैरेंट मूव करेगा स्क्रीन पे नीचे जाएगा तो वो एलिमेंट भी साथ साथ नीचे जाएगा। हाँ ये ऊपर ऊपर आ गया ये। अच्छा इस ये ऊपर और नीचे आने को हम कहते हैं जेड इंडेक्स। तीन एक्सेस होते हैं ना, एक्स और वाई होता है, तीसरा होता है जेड। तो जेड इंडेक्स जब ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि वो ऊपर आ गया है, सही है। और जो पता है ना नेगेटिव पॉजिटिव जेड इंडेक्स किधर होता है, पॉजिटिव जेड इंडेक्स किधर होता है? नहीं मैं जेड एक्सेस की बात कर रहा हूँ। जेड नहीं, बाय डिफॉल्ट एक्स और वाई कौन सा होता है? जो एक्स होता है बाय डिफॉल्ट वो हॉरिजॉन्टल होता है, और हॉरिजॉन्टल में पॉजिटिव किधर होता है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? राइट की तरफ पॉजिटिव होता है, है ना। जो एक्स एक्सिस होता है राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होता है। और वाई जो है वो ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। जेड सामने की तरफ पॉजिटिव होता है या मेरी तरफ पॉजिटिव होता है? नहीं स्क्रीन से बाहर। तो देखो ऊपर और नीचे तो एक्स और वाई हो गया, तो अब जेड क्या बचा, या तो सामने या मेरी तरफ, ये बचा ना। हाँ मतलब मेरी स्क्रीन जो है इसके जेड या तो बिहाइंड की तरफ है या तो फ्रंट की तरफ है। तो क्या लगता है कि किधर है? फ्रंट पे पॉजिटिव है, सही है, और बिहाइंड पे नेगेटिव है। तो ये वाला चक्कर है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो आप फ्लैक्स बॉक्स वगैरह के जरिए मूव करेंगे, लेकिन जेड पे अगर आपने आगे पीछे करना है, अब मिसाल के तौर पर चाह रहे हैं ये लॉरल इप्सम है, ये ऊपर नहीं आ रहा, ये नीचे आ रहा है बिला वजह किसी भी वजह से, तो आप उसको ऊपर ला सकते हैं, जेड इंडेक्स उसका इंक्रीज कर देंगे आप। या ऊपर आ रहा है आप चाहते नहीं आ रही, तो पीछे जाना चाहिए था इसको, तो मैं बैकग्राउंड में चाहता हूँ कि लिखा हुआ रहा हूँ और टेक्स्ट उसके ऊपर चल रहा हूँ, तो ये काम कर सकते हैं। है हाँ वैल्यू अभी आ जाए, आगे आ जाएगा वो, सही है। अच्छा किसी भी एलिमेंट को मैं उसका जेड इंडेक्स ज़्यादा या कम कर सकता हूँ, लेकिन इमेजिन करें कि ये तीन पैराग्राफ हैं, सही है, ये तीन पैराग्राफ हैं, इसमें पहले पैराग्राफ का जो है मैंने जेड इंडेक्स क्या कर दिया 1000 कर दिया, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसके ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। ये अभी भेज देता हूँ। ये उसी सूरत में काम करेगा जब दो एलिमेंट ओवरलैप कर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, जब ही तो पता चलेगा ना कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। अब जब कोई है ही नहीं उसके आगे पीछे, तो सेकंड पैराग्राफ या फर्स्ट पैराग्राफ में जेड इंडेक्स लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमने ये दोनों देख लिया, अब हमारे पास दो और आइटम है, फिक्स पोजिशन और फ्लोटिंग एलिमेंट। ये दो आइटम हमारे पास और हैं। फिक्स पोजिशन आपने आमतौर पर देखा होगा, किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो चैट का एक छोटा सा आइकन साइड पर बना हुआ होता है, मैं स्क्रॉल करता हूँ तो वो हिलता नहीं है, वो वहीं रहता है फेसबुक के अंदर जो होता है, ठीक है। नेविगेशन बार जैसे फिक्स होता है ऊपर, हिलता नहीं है वो अपनी जगह से, तो दैट इज़ फिक्स्ड, ठीक है। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग जैसा ही कुछ है कि मेन फ्लो से ये बाहर निकाल लेता है। दैट पोजिशंस द एलिमेंट इन रिलेशन टू द ब्राउजर विंडो, के बजाय अपने कंटेनिंग एलिमेंट में ऊपर जाके चिपकने के। अच्छा भाई जब एक चीज़ और भी ये समझ लो कि ये जो कंटेनिंग एलिमेंट में टॉप पे चला गया ना ये वाला, ज़रूरी नहीं कि टॉप पे रहे, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि बॉटम पे आ जाओ, ठीक है। मैं अगर इसको बोलूँगा ना टॉप पे जीरो पे चले जाओ, तो ये अपने कंटेनिंग एलिमेंट के छत पे चिपक जाएगा। अगर मैं बोलूँगा बॉटम के जीरो पे चले जाओ, तो ये अपने कंटेनिंग एलिमेंट के बॉटम पे चिपकेगा। और इसी तरह राइट लेफ्ट, तो मैं पूरे कंटेनिंग एलिमेंट में इसको कहीं भी खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन उससे बाहर नहीं ले जा सकता। अच्छा अब ये वही चीज़ है, सेम चीज़, ये ब्राउज़र विंडो के इन रिलेटिव है। तो इसको करने की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे ब्राउज़र के विंडो में कहीं भी ले जाके प्लेस कर सकता हूँ। मैं कहूँगा टॉप जीरो तो छत पे एकदम, और मैं कहूँगा बॉटम जीरो तो नीचे। सेंटर करने के लिए फिर वो मुझे स्क्रीन का पता होना चाहिए कि लेफ़्ट और राइट कितना हो, तो वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सेंटर करना है स्टिल, वो हम फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए करेंगे। अच्छा कोई आइटम अगर बाहर आ गया तो फ्लैक्स बॉक्स उसमें भी लग सकता है। मैं पूरे मिसाल के तौर पे नेविगेशन बार है ना, मैं पूरे नेविगेशन बार को ही बाहर निकाल लूँगा, तो उसके अंदर मौजूद एलिमेंट को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो पूरी स्क्रीन पे मैं कहीं भी ले आ सकता हूँ। जो चैट का जो सपोर्ट का चैट बटन होता है यहाँ पे, जैसे ये देखो लेआउट का 364 लिखा हुआ आ रहा है ना इस जगह पे, तो इस तरह का एक बलून आ रहा होता है चैट वगैरह का, वो स्क्रीन स्क्रॉल जितना भी करें वो हिलता नहीं है। तो दैट इज़ फिक्स पोजिशन, सही है, पोजिशन फिक्स है। अच्छा तो अभी नमाज का टाइम हो गया,
और मेरा ख्याल है कि आज की क्लास को भी हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम भी हमारा हो गया। तो कोशिश ही हमारी ये थी कि उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। अब इमेजेस हैं, इमेजेस पर क्या क्या स्टाइलिंग लगती है वो सब आप लोगों को पता है, बहुत ही सिंपल है, बॉर्डर वॉर्डर लगते हैं जस्ट उस पर, ठीक है। HTML5 के लेआउट के वो टैग्स वगैरह हैं उसमें कुछ डिटेल पढ़नी है हमें। अच्छा, और प्रोसेस एंड डिज़ाइन का थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है कि वेबसाइट बनाने का प्रोसेस शुरू कैसे होता है और वो ख़त्म कैसे होता है और क्या उसमें बीच में चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वेल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट आप लोगों को पता है, 5 वेबसाइट बना के लानी है, और अगर कोई दोस्त आपका आज नहीं आया तो उसको बता दीजिएगा।